प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, आप सभी को हैप्पी गुड फ्राइडे कहता हूँ और इस वीडियो के द्वारा ये बता रहा हूँ कि यीशु ने जो क्रूस से 7 वचन कहे थे या वे 7 वाणी जो यीशु ने क्रूस से कही थी, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। पहली वाणी लूका की इंजील 23 अध्याय 34 आयत में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना की जो लोग उनके कील ठोक रहे थे, और यीशु ने कहा, ये इसलिए ठोक रहे हैं प्रभु क्योंकि ये जानते नहीं हैं। यदि ये जानते कि मैं खुदा हूँ तो ये मुझे हाथों हाथ लेते, ये मेरी सेवा करते। ये नहीं जानते हैं इसलिए मेरे कील ठोक रहे हैं, इसलिए पिता तू इनको क्षमा करना। और ये सब यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए कहा जो यशाया 53 अध्याय उसकी 12 आयत में प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी की गई है। और दूसरी वाणी यीशु ने लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 43 आयत में कही है, लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो डाकू जो यीशु के लेफ्ट राइट लटके हुए थे, उनमें से एक डाकू ने मन फिरा लिया था। एक डाकू ने कहा था कि प्रभु तू जब अपने राज्य में आए तो प्लीज़ मुझ पर कृपा करना, मुझे याद रखना। और यीशु ने उसी वक्त उसी टाइम मुझसे ये वायदा कर दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब वे लोग जो क्रूस पर ईमान ले आते हैं, वे लोग जो लहू पर उस यीशु पर ईमान ले आते हैं, वे बचाए जाते हैं, वे छुड़ाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यीशु क्रूस पर मरे ही इसलिए ताकि हम सबको सारे जहां को वो बचा ले, तो उसका पड़ोसी क्यों नहीं बचाया जाता। हाँ, निसंदेह मसीह में ऐसे बहुत लोग हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वे फिर भी स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि कितनों ने पूरी रीति से मन नहीं फिराया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मन फिरा लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और तीसरी वाणी यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय 26 आयत में ऐसे लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यीशु उस समय क्रूस पर लटके हुए थे, हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, वो बहुत दर्द बहुत पीड़ा में थे। इवन उनके चेले भी उनको छोड़ के चले गए थे, पर यीशु मसीह उस समय उस टाइम भी अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं भूले थे। यदि मैं और आप यीशु में ईमान रखते हैं तो ये बात जरूर याद रखनी है, जब हम परेशानियों फंस जाते हैं, जब हम दुख किसी पीड़ा से घिर जाते हैं, हम अपनी सुध-बुध खो देते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, पर यीशु ने उस समय भी अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने चेले के हाथों में सौंप दी थी। हमें यीशु सिखाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनों को अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और चौथी वाणी मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 46 आयत में यीशु कहते हैं, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यीशु पर सारे जहां का गुनाहों का बोझ लदा हुआ था। उस समय यीशु अकेले पड़ गए थे और यीशु ये दुआ कर रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि उस पर गुनाह था। उस समय यीशु पर पूरी दुनिया के गुनाह लदे हुए थे, उस समय खुदा उससे दूर था, उस समय लोग उसको छोड़ के चले गए थे, और यीशु ऐसी पीड़ा में थे, ऐसे करहा रहे थे, उनके जिस्म से एक एक लहू का कतरा बह रहा था, और वे कह रहे थे, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उस समय प्रकृति भी रूठ गई थी, उस समय अंधेरा हो गया था, सूरज भी ढल गया था, सूरज छुप गया था, आसमान लाल हो गया था, बाइबल कहती है। और तब यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और साथियों, पाँचवीं वाणी में ऐसे लिखा है, यूहन्ना 19 अध्याय 28 आयत में, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु क्रूस पर भी
उस पीड़ा में भी, उस दर्द में भी, उस तकलीफ में भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं भूले थे। उनके विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी पुराने नियम में, उन भविष्यवाणियों को पूरा करना वो नहीं भूले थे। मैं और आप भूल जाते हैं। जब इंसान परेशानियों फंसता है, वो आपा खो देता है, कुछ चीज़ें भूल जाता है, सद्बुद्ध भूल जाता है। परंतु यीशु उस दुख में भी, उस पीड़ा में भी, जब उनकी जान निकलने वाली है, उनके शरीर में इतना दर्द है, कीलें ठोक दी गई हैं, फिर भी वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे, जो भजन संहिता 69 अध्याय उसकी एक आयत में लिखी हुई है। और छठी वाणी यूहन्ना 19 अध्याय 30 आयत में लिखी है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मर रहे थे, यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए टंगे हुए थे, क्योंकि वो सब कुछ पूरा करने की प्रक्रिया में थे। इवन उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया था, सिर्फ अपना प्राण छोड़ना बाकी रह गया था। यीशु याद कर रहे थे कि मुझसे कुछ आज्ञा छूट तो नहीं गई है। यीशु याद कर रहे थे कि मैंने कोई भविष्यवाणी पूरा किए बिना छोड़ तो नहीं दी है। यीशु क्रूस पर भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे और उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसको निभा दिया है। और तब यीशु ने कहा, पूरा हुआ। और साथियों, आखिरी और सातवीं वाणी पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इंकरेजमेंट के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे सपोर्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूँ लूका की इंजील 23 अध्याय 46 आयत, लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु ने आखिर में क्रूस से ये शब्द बोला कि प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ, और ये कहकर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। इसका कारण ये था, यीशु एक प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे। वो ये कह रहे थे, प्रभु, मैं वो मेमना हूँ जो सबके गुनाहों के लिए मर रहा हूँ, मैं सबके गुनाहों की भेंट के रूप में मर रहा हूँ, इस भेंट को प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए, मैं सबके गुनाहों की सजा ले चुका हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैंने सबके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और उनकी जगह मैं मर रहा हूं, इसलिए प्रभु आप इस सुगंधदायक भेंट को स्वीकार कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो परमेश्वर को भाए हैं। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने अपने जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ बोला, वे सब उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे जो उनके विषय में लिखी हुई थी या उनके विषय में कही गई थी। आप भी जब अपना जीवन जी रहे हैं, ये बात याद रखें, जो बातें खुदा ने आपसे कही हैं, जो बातें खुदा आपसे चाहते हैं, आप जब उन कामों को करेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, ब्लेसड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।